ये इंडिया की कोई साजिश हो सकती है हमें डाउन करने के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने के लिए? हम वैसे ही एक अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, हमें मजीद अंडर डेवलप रखा जाए, क्योंकि सब जाहिर बात है आपका पानी बंद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, आपकी डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगी, आवाम डिस्टर्ब होगी। तो इनको इस अपने इस डिसीजन पे एक बार दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि पानी सबका बुनियादी हक है, वो चाहे हम हों या चाहे वो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। ये तो होगा पहले से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा, ये तो होगा। थोड़े दिनों पहले हमारे मोदी जी श्रीनगर के दौरे पे थे, वहाँ पे उन्होंने काफी नए नए प्रोजेक्ट का अनाउंस किया, उद्घाटन किया। उनमें से एक था हाइड्रो प्रोजेक्ट का, चिनाब नदी पे लगने वाले इस प्रोजेक्ट से पाकिस्तानियों की पेट में दर्द शुरू हो गया। क्या बोला तूने? पाकिस्तानियों के पेट में दर्द होना बनता भी था, क्योंकि चिनाब नदी का जो भी पानी है सब पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तानी कहते हैं कि हम तरस जाएंगे पानी के लिए, प्यासे मर जाएंगे। बात तो सही है। इन जाहिल पाकिस्तानियों को लगता है कि अगर भारत ने वहाँ पे बांध बना लिया तो भारत उसमें से बिजली निकाल लेगा तो पानी की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। तो इसी मुद्दे पे पाकिस्तान की एक पत्रकार है जो माइक उठा के पब्लिक के बीच में गई है, और वो ये जानने की कोशिश की कि जो मोदी जी ने ये पानी बंद करने का जो फैसला लिया है वो कैसा है, पाकिस्तानी आवाम उस पर क्या सोचती है। तो चलते, और हाँ, ये मुद्दा थोड़ा सीरियस और सेंसिटिव था, इसके लिए इस वीडियो में मीम मैंने कम से कम यूज किया है, ताकि जो कम मीम देखने वाले लोग हैं वो भी खुश रह सके। सबका ख्याल रखता हूँ मैं। ये इंडिया की कोई साजिश हो सकती है हमें डाउन करने के लिए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने के लिए? हम वैसे ही एक अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं, हमें मजीद अंडर डेवलप रखा जाए, क्योंकि सब जाहिर बात है आपका पानी बंद हो जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब हो जाएंगी, आपकी इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी, आपकी डेवलपमेंट डिस्टर्ब होगी, आवाम डिस्टर्ब होगी। तो इनको इस अपने इस डिसीजन पे एक बार दोबारा गौर करना चाहिए, क्योंकि पानी सबका बुनियादी हक है, वो चाहे हम हों या चाहे वो, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। इन मोहतरमा को ये पता नहीं कि डैम क्या होते हैं और डैम किस तरीके से काम करते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी जी को दोबारा विचार करना चाहिए, लेकिन इनको मैं बता दूं, जब डैम बनेगा तो डैम जब फ्लो होगा तो वो सारा पानी पाकिस्तानी तो जाएगा। मोदी जी ने रास्ते नहीं मोड़े नदियों के, जिस दिन रास्ते घुमा देंगे ना मोदी जी, जब तुम लोगों को टेंशन करनी चाहिए, अभी तो मस्त रहो। और वैसे भी हर साल तुम्हारे पाकिस्तान के पंजाब के अंदर इन्हीं नदियों की वजह से बाढ़ आती है, तब भारत को गालियाँ देते हो, मतलब डबल स्टैंडर्ड है भाई। पाकिस्तानी है कुछ भी बोल सकते हैं। देखें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है ना, उसने इंडिया में कश्मीर में दो डैम बनाने के कहा है। इससे हमें सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि हमारे में पहले भी हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है, और इससे मज़ीद हमारी शॉर्टेज बढ़ेगी। इसके लिए हमें चाहिए कि हमें इसके लिए एहतजाज करना चाहिए, अरे भाई तुमको एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम सबसे पहले अपनी बॉडी का एहतजाज करो। ऐसे लग रहा है कि अगर कोई तुम्हारे एक उधर रख दे ना तो तुम उठो नहीं चार दिन तक। तो भैया एहतजाज को छोड़ो, अपनी बॉडी का ख्याल रखो, कुछ खा लो पी लो जाके। खाने पीने के पैसे नहीं है तो भाई तुम मेरे से ले लो, ये एहतजाज को छोड़ो। ठीक है, यूएन में जाके एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करने की वजह से उनका डैम की काम रुक जाएगा, क्योंकि हमारे पास पहले भी पानी की शॉर्टेज है। इस वजह से पानी जो है हमारे पाकिस्तान में कम है, और हमारा पहले ही दरिया चनाब जो है ना, इस वजह से पानी की कमी का शिकार है। भाई तुम्हारा दरिया, तुम्हारा पाकिस्तान पानी की कमी का शिकार है, लेकिन भाई तू कुपोषण का शिकार है। तू पहले कुछ खा ले भाई, तू कुछ खा ले, दोबारा मत आना। अगर ऐसी बात है तो फिर पाकिस्तान को इसके हवाले से सीरियस इकदाम उठाने चाहिए। और अभी जो पाकिस्तान के अंदर करंट रिजीम चेंज हुआ है या एक गवर्नमेंट की शिफ्ट हुई है, आई डोंट थिंक कि अभी कोई मोदी साहब ऐसा कोई काम करेंगे, क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, लाइक इस तरह से नहीं। और अभी रिसेंटली मिफ्ता इस्माइल ने फिर से कहा है कि अगर मोदी साहब माने तो मैं उनको अपनी उसकी भी बेटी की शादी पे बुलाने को तैयार हूँ। तो अभी लेट्स सी कि इसका क्या है, लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स इट, लेकिन इफ इट हैपेंस देन वी कैन। इसकी बातें सुन के लगा कि बंदी काफ़ी इंटेलेक्चुअल है, लेकिन अच्छी बात करते करते लास्ट में बोल ही दिया कि हम मोदी के इस काम को कंडेम करते हैं। तो ये ले बेटा कंडेम ठुल्लू, हमारा हमारी तरफ से ठुल्लू, करती रहे कंडेम खुल्लू के साथ में। देखा जाए तो वो लोग डायरेक्ट इस चीज के ऊपर नहीं आ रहे, वो लोग डायरेक्ट बंद नहीं कर रहे, वो लोग वहाँ पे कश्मीर में अपने प्रोजेक्ट्स इस तरह लॉन्च कर रहे हैं जो कि हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जिसको शायद हम किसी वैलिड, बहुत ज्यादा वैलिड रीजंस देकर उसको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं जो उनकी कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, और उससे हमारे पाकिस्तान का पानी कम हो सकता है, और हमारा पूरा पंजाब प्रोविंस जो है वो चनाब पे डिपेंडेंट है।
ये जो आप कह रहे हैं कि ये कम ये ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ये ख़त्म होने वाली बात है भी नहीं। ये जो जितना एक लेवल होता है ना डैम बनाने का, एक खास लिमिट जो है वो इंटरनेशनली होता है कि आपने इसकी हाइट इतनी होनी चाहिए, उसका रेंज इतना होना चाहिए। इंडिया ने हमेशा से वो ख़त्म किया, जितने भी वो रूल्स हैं उन्होंने तोड़े हैं। अगर उनके लिए, अगर फॉर एग्जाम्पल उनके लिए 90 फीट का रखा है तो उन्होंने एक 120 तक लेके गए हैं। उन्होंने हमेशा जो पानी का जो फ्लो है ना वो डिस्टर्ब किया है, तो ये ख़त्म करने वाली बात नहीं। ये डिस्टर्बेंस जो है ये भी इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है, तो ये डिस्टर्ब करना ही रूल ब्रेक करना है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर उन्होंने ये चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई वॉर ना हो, तो सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ है कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जिसके ऊपर वॉर होती है, और ये एक और एक नया डायमेंशन है कि पानी के ऊपर भी वो आपस में लड़ सकते हैं इन फ्यूचर। वाह 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 वाह, देख रहे हो आप, सीधा बंदा धमकी दे रहा है कि वॉर ना हो तो भारत को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। अबे मूंग मसूर की दाल खाने पीने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पेट्रोल खरीदने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारा डॉलर आसमान में नाच रहा है, रोटियां खाने को मिल नहीं रही है, चाय पीने के लिए तुम्हारे प्रधानमंत्री मना कर चुके हैं, आटा तुम्हारे देश में मिल नहीं रहा है, और तुम वॉर करोगे। वॉर का मतलब जानते हो क्या? जो तुम बच्चे हो ना, जो थोड़े से बच रहे हो, चल रहे हो, सब खत्म हो जाओगे। तो वॉर से निकलो और होश के नाखून चबाओ। बिल्कुल डेड हो जाएगा, क्योंकि जो आपके पूरे पाकिस्तान की क्रॉप्स हैं, सारा वीट और ये सारा सिस्टम, आपके पंजाब पे प्रेशर है ना पूरे पाकिस्तान का। तो अगर चेनाब का ही पानी बंद कर दिया जाए तो पूरी क्रॉप, आपके पूरी वीट प्रोडक्शन, ये सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपका पूरा पाकिस्तान डिस्टर्ब हो जाएगा इस चीज़ से। तो इस चीज़ पे उनको दोबारा से गौर करना चाहिए। ना बीबी, हम गौर ना करेंगे। ऐसे तो तुम कश्मीरी भाई 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 करते रहते हो, अब जब कश्मीरी में डैम बन रहे हैं और उन कश्मीरियों को बिजली मिलेगी, उनको खेती के लिए पानी मिलेगा, तो तुमको कह रहे हैं कि गौर करना चाहिए इंडिया को। तुम प्रोटेस्ट करोगे और यूएन में जाओगे, तो ये कश्मीरियों से मोहब्बत है क्या तुम्हारी? अच्छा, पाकिस्तान चाह रहा है कि यूएस इस डिसीजन में हेल्प करे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बरसों से पानी का इशू चलता आ रहा है वो रिजॉल्व हो जाए। आपको लगता है कि यूएस इसमें हेल्प करेगा पाकिस्तान की? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि यूएस का जो बेनिफिट है वो हमेशा से इंडिया के साथ ज़्यादा रहा है और पाकिस्तान के साथ कम रहा है। तो जो अगर आप इंडस वाटर टेरिटरी भी उठा के देखें, तो यूएस ने तब भी, बल्कि ओवरऑल दुनिया नहीं, आपके स्पेशली यूरोप ने इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट किया था एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो इस मरतबा भी अगर आप यूएस से ये उम्मीद लगाते हैं कि यूएस आपकी हेल्प करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। यूएस ऑब्वियसली वहाँ स्टैंड करेगा जहाँ से उनको बेनिफिट ज़्यादा है, वो इंडिया से ज़्यादा है। मैडम बेगर कांट चूजर, आपके पास चॉइस ही नहीं है, आप कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका मुल्क दिवालिया होने की कगार पे खड़ा हुआ है। श्रीलंका तो जैसे जैसे फिर भी स्टेबल हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर एक बार दिवालिया हो गए तो गए बार आगे हो, क्योंकि आपने जो जिहादी पाले हुए ना वही आप लोगों पर हावी हो जाएंगे। कुपोषण का मरीज फिर आ गया। यूएसए जो है ना, वो हमेशा से हमारे खिलाफ ही चलता आ रहा है। वो उनको चाहिए कि इस मामले को देखना चाहिए, अगर ये इस मामले को नहीं देखे जाएंगे तो हमारा प्रोटेस्ट होता रहेगा और ये मजीद इशू क्रिएट हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए पानी का कमी का बायस बनेगा। तो यूएन को चाहिए कि, यूएसए को चाहिए कि इसको इस अमल को देखना चाहिए और ये डैम रुकवाने चाहिए। भाई तू यूएस के अमल को छोड़, तू पाकिस्तान की पानी की चिंता छोड़, तू खाने की चिंता कर भाई, मुझे तुझे देख के फिक्र हो रही है भाई। शो करने के बाद तू ठीक से घर पहुंचा भी है, रास्ते में चक्कर खा के गिर गया और ऐसे कुपोषण की हालत में मर गया, तो बेहतर उड़े नहीं मिलेगी, वो भी फिर कुपोषण वाली मिलेगी। तो भाई अपने अपनी सेहत का ख्याल रखो। तो अब आप ही बता दीजिए, मोदी जी ने भूखे नंगे और कंगलों का पानी रोक दिया है, ये इनके पास खाने के दाने नहीं, ऊपर से मोदी जी पानी भी नहीं पीने दे रहे इनको, तो ये क्या मोदी जी ने सही किया या गलत किया, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइए। वहाँ पर बेहतर उड़े गिराइए या अच्छे कपड़ों के पीछे से झाँकी है या आसमान से किताबें उतारी है, और कमेंट बॉक्स में बिना अश्लीलता से अपने विचार उतार दीजिए। माँ बहन की गाली ठोकते हो वो कमेंट्स आपके नहीं जाएंगे, आप हैशटैग यूज करोगे वो कमेंट आपके नहीं जाएंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाक मीडिया से रिलेटेड वीडियो लाता रहता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।